हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की इस लाइव क्लासेस में। आज का जो सेशन है वो आपके लिए सच में काफी शानदार है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। जी हाँ, आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों से बनाए जाते थे? अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं? भारतीय सिखों का संक्षिप्त परिचय दें। तो इस प्रकार का आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे आज के इस क्लास में, साथ में आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी करवाएंगे। और ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न दे सकते हैं, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? देखिए कई बार आपको पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनर विनती करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे एक दो प्रश्न नहीं बने तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के जस्ट आपको वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिए, ऐसा लगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और फटाफट आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, फाइनल टेस्ट है आपका हिस्ट्री एग्जाम का 2023 का, जो भी तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा हम्पी नगर जो है वो किस राज्य से संबंधित है। कई बार आपको ये प्रश्न जो है पूछा गया है और देखने को भी मिला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट के राइट आंसर आएंगे। ध्यान रखिए आप लोग, विजयनगर साम्राज्य आप लोग पढ़े होंगे हम्पी नगर के बारे में, तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य को दो भाई ने मिलकर के शुरू किया था, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का ये किस वंश से थे? तो ये जो हरिहर और बुक्का जो है वो तुलु वंश से थे। टोटल चार वंश था, आपको हमने बताया था, तुलु वंश, राजवंश, संगम वंश, है ना, विदु वंश। तो ये हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर के 1336 में, ध्यान रखिएगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दो भाई ने मिलकर के किया था, हरिहर और बुक्का ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हरिहर और बुक्का जो है वो तुलु वंश से संबंधित रखता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया शिवानी, संगम वंश से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, संगम वंश, जी बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जी बहुत बढ़िया, हरिहर और बुक्का जो है वो संगम वंश से संबंधित थे। तुलु वंश से जो है कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश से थे, ठीक है। बहुत बढ़िया शिवानी ने, बिल्कुल सही कहा है, क्या बात है, ऐसे ही आप लोग को एकदम सतर्क रहना है, ठीक है। चलिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फटाफट आप लोग सेकंड नंबर का जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके आंसर आएंगे 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा कलिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आप लोग बताएंगे ये जो मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा, विशाखादत्त के, मेगास्थनीज के द्वारा, फिर में से कोई नहीं। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा विशाखादत्त। ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज जो है इसने जो है इंडिका की रचना की है, उसी तरीके से जो कौटिल्य है इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचनाकार का नाम क्या है, तब वहां पर आपको आंसर लगाना है कौटिल्य। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिका की रचनाकार का क्या नाम है, तो वहां पे लगाना है मेगास्थनीज। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम क्या है, तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम है, फटाफट बोलिएगा, विशाखादत्त। ऑप्शन बी थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुड्डू कुमार, बहुत बढ़िया ज्योति कुमारी। चलिए, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, ये भी आपका बहुत बीबीआई प्रश्न है, और फटाफट आप लोग को आंसर देना है फोन नंबर का। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, ऐसे ही आपको आंसर देना है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो हुआ था 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? फटाफट जवाब दीजिएगा, बिहार जो है वो कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1956 को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 1912 को। ध्यान रखिएगा बिहार जो है वो 1 अप्रैल 1912 को अलग राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आप सबको पता है पहला प्रश्न तो आपको यही पूछा जाएगा कि तीर्थ यात्रा कर जो है, यानी कि तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया, तो अकबर ने किया। अब ये बताइए ये कब किया था इन्होंने, तो आप सबको पता ही है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा 1563 में। ध्यान रखिएगा अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर, यानी कि जो तीर्थ यात्रा टैक्स लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया 1563 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है सुनंदा कुमारी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कर दिया? फटाफट जवाब दीजिएगा, किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? 7 का बिल्कुल आपको सही जवाब देना है, और बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। ध्यान रखिएगा अकबर ने जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 7 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
दास प्रथा का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। दास प्रथा मतलब पहले जो नौकर को खरीद लिया जाता था, है ना, तो इसी को दास कहा जाता था, और अगर नौकरानी को खरीद लिया जाता तो उसको दासी कहा जाता था। तो अकबर जो है इस सिस्टम को खत्म कर दिया। सेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल के भारतीय फारसी सरोद किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है। आप सबको पता होगा मुगल काल में जब किसान थे तो किसान को कई नामों से जाना जाता था। एक तो रैयत नाम से जाना जाता था, एक मुजारियन नाम से जाना जाता था, एक आसामी नाम से जाना जाता था, एक किसान नाम से जाना जाता था, एक रियाया नाम से जाना जाता था, और एक कृषक नाम से तो जाना जाता ही है, ठीक है। तो मुगल काल में जो भारतीय किसान थे, ठीक है, तो उनको कई नामों से जाना जाता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, रैयत, रियाया, मुजारियन, आसामी, ये सभी किसका नाम है, किसान का नाम है। तो एट का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। जिन्होंने भी डी लगाया है बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। फटाफट जवाब दीजिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो है किस नदी के मिलने पर की थी, गंगा नदी के मिलने पर, सोन नदी के मिलने पर, पुनपुन नदी के मिलने पर, या फिर इन सभी के मिलने पर। 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी के मिलने पर। जी हाँ, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन का जब सभी नदी का जब संगम हुआ तो उसी समय जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी, उदयन ने की थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष स्क्रीन पर, रथमूसलस, फटाफट बोलिएगा फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, ध्यान से आपको रट लेना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनेंगे और आंसर देने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे, किसी का मत दीजिए, आप खुद से देखिए, चाहे खुद से दीजिए, चाहे गलत हो या सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई देखता भी नहीं है यहाँ आपको। अगला प्रश्न है, रथमूसल नामक आक्रमक यंत्र का जो प्रयोग है वो किस जनपद में सबसे पहले किया गया था, बताइएगा। इस नामक यानी कि रथमूसल नाम का जो है एक आक्रमण यंत्र था, आक्रमण करने वाला एक यंत्र था, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो ये मगध ने किया था, क्योंकि आप सबको पता है सोलह महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, वो था मगध महाजनपद, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया क्या था, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, बताइएगा। मुगल काल में सबसे ज्यादा जो उगाई जाने वाली फसलें थी उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाय, कॉफी, नील जो है ये अंग्रेजों के जमाने में होता था, ठीक है, लेकिन चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि जो है मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, यानी कि राइट आंसर आपका 11 का बिल्कुल ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है रौनक परवीन। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12, बाबर के संस्मरणों ने, ठीक है, का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, बताइएगा आप लोग। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। अच्छा, सिंपली आपको ये पूछ रहा है कि बाबरनामा यानी कि बाबर के द्वारा जो लिखा गया बायोग्राफी, वही पूछ रहा है क्या। अच्छा, बाबर के संस्मरणों का जो मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो यह तुजुके बाबरी एवं तुर्की, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चले, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है वो करीब कितना हो गई थी, तो आप सबको पता है 13 का राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है वो 5 करोड़ हो गई थी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो अभी हमने आपको बताया कि हरियर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में करी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो भाई ने मिलकर के, एक हरिहर और एक का नाम था बुक्का, और ये किस वंश से थे, तो ये जो है संगम वंश से थे, किस वंश से, संगम वंश से, ठीक है, 1336 में इसकी स्थापना करी थी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ये सारा आंसर दे रहे हैं काफी गजब, बहुत बढ़िया है। शिवानी कुमारी, आकाश कुमार, मुन्ना कुमार, रेहाना, 14 का ये, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसी आंसर देना, चाबाश, शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। पिछले बार के मुकाबले में इस बार लेकिन आप लोगों का जो तैयारी है ना वो काफी बेहतरीन है, ठीक है, पिछले बार के मुकाबले में। चलिए फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष स्क्रीन पर, कई बार हमने आपको करवाया है, हलवा प्रश्न है आपका, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है, कौन सी वेद, ऋग्वेद। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग बोलिएगा, कनिष्क का जो राजरोहण है वो कब हुआ था, फटाफट जवाब देना, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ, 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 में, या फिर 98 में। 16 का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो है 78 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कनिष्क का जो राजरोहण है वो 78 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। अब जो है क्लास कंटिन्यू चलेगी, प्लीज ध्यान से आप लोग सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए विजयनगर तथा बहामनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था? बताइएगा, विजयनगर और बहामनी के बीच हमेशा संघर्ष होता था, बताइए कौन से क्षेत्र को लेकर? बिल्कुल रायचूर दुआब, रायचूर दुआब यानी कि इस क्षेत्र को लेकर के विजयनगर और बहामनी के बीच जो है हमेशा संघर्ष होता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी था वो कौन था? सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? यह आपका 2018 और 2020 में पूछा गया है। बिल्कुल 18 का राइट आंसर होगा निकोलो कोंटी। याद रखिएगा निकोली कोंटी जो है सबसे पहला वो मतलब कि यात्री था जो कि विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। गुरु नानक का जो जन्म है वो कहां हुआ था? देखिए कई बार आपको पूछा गया है 2019, 2020, 2021 कई बार, तो बताइएगा गुरु नानक का जो जन्म है वो कहां हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या फिर लाहौर में? 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका तलवंडी। ध्यान रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए कबीर के उपदेश जो है वो जो उपदेश दिए हैं तो उसका जो संग्रह है जो जमा है वो यानी कि कबीर का जो भी उपदेश है उसको एक जगह लिखा गया है, बताइए वो कौन से ग्रंथ में? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको ये प्रश्न करवाया भी है, बिल्कुल 20 का राइट आंसर हो जाएगा बीजक। ध्यान रखिएगा कबीर का जो उपदेशों का जो संग्रह है वो बीजक ग्रंथ में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी 20 का बी लगाया है, क्या बात है अंशु राजा, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? बताइएगा कबीर जो है आप सबको पता है कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है महान। ध्यान रखिएगा कबीर का मतलब क्या होता है? महान। तो ये कौन सी भाषा है? कबीर जो है वो अरबी शब्द है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? आप सबको पता होगा रामानुज के थे या नानक के थे या फिर रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। तो कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्होंने भी सी लगाया बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ऐसे ही आप लोग को दुगुनी मेहनत करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिएगा, रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, जीएस लेविदेव को, कार्ल मार्क्स को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 23 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जीएस लेविदेव को। ध्यान रखिएगा रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो जीएस लेविदेव को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24। इब्न बतूता ने अपनी यात्री का विवरण किस भाषा में लिखा था? आप सबको पता है इब्न बतूता के जो यात्रा वृत्तांत का नाम है वो है रेला। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा, उसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो वो है रेला। क्या नाम है? रेला। अब आप लोग बताएंगे ये जो है रेला जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? बिल्कुल 24 का राइट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, अरबी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक आपका अल बिरूनी का जो किताबुल हिंद किताब है वो भी अरबी भाषा में लिखा गया है, और इब्न बतूता का जो रेहिला किताब है वो भी अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, जिन्होंने भी ए लगाया है बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25। अल बिरूनी जो है वो किस भाषा का जानकार नहीं था? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोग यहाँ पर संस्कृत लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अल बिरूनी जो है भारत आकर के संस्कृत सीख लिया था। अल बिरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। तो वो भारत आकर के संस्कृत को सीख लिया था। ठीक है, बताइए अल बिरूनी जो है वो किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अल बिरूनी जो है वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, बाकी वो हिब्रू भाषा भी जानते थे, सीरियाई भाषा भी जानते थे, संस्कृत भाषा भी जानते थे। ठीक है, तो 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन 26। अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? बताइएगा फटाफट, अल बिरूनी जो है वो भारत जो आया था वो किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में? तो अल बिरूनी जो है वो भारत जो आए थे वो आए थे 11वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा अल बिरूनी भारत कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया हूं कि अल बिरूनी कब आए थे, इब्न बतूता कब आए थे, और इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था, उसका जो फ्रांसवा बर्नियर है वो कब आए थे, ये सारा चीज के बारे में जो है हम आपको बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? फटाफट बोलिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा वो इसलिए क्योंकि लैपटॉप जब चार्ज होता है और पंखा उसका चलता है ना, और जब फैन चलता है तो थोड़ा सा आवाज करता है, तो प्लीज उस आवाज को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिए, साउंड को, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी जितना तक, तो आवाज को थोड़ा सा कम कर ले, आपको मजा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है गाय। ध्यान रखिएगा आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु है ना वो गाय है। ठीक है, गाय था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 28।
आर्यो का प्रीपीए क्या था, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसलिए क्लास को ना छोड़ें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा हुआ है, इंतजार कर रहा है आप लोगों का मुंह खोल के, ठीक है, इंतजार कर रहा है, कह रहे हमको रट लो हम ही आने वाले हैं। चलिए, आर्यो का प्रीपीए क्या था, पशु तो आपको समझ में आ गया, गाय, अब प्रीपीए क्या था, वो था सोमरस, है ना, तो आर्यो का जो प्रीपीए था वो था क्या, सोमरस, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न में जाएंगे, क्वेश्चन 29, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, बताइए कहां पर, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में, 29 नंबर का फटाफट आप लोग को जवाब देना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पर, कुशीनगर में, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है ये सारा प्रश्न, आपको याद रखना, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पैदा कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो कि नेपाल में पड़ता है, ये सारा प्रश्न आपको याद रखना है, खास करके महात्मा बुद्ध के बारे में। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 30, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, फटाफट जवाब दीजिएगा, बुद्ध ने जो है, गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में जो प्रवचन दिया है उस प्रवचन को क्या कहते हैं, तो उस प्रवचन को हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, आप सबको तो ये पता ही है कि महाभारत को 1000 साल बनाने में लग गया, ये एनसीईआरटी के अनुसार कहीं कहीं पे आपको 900 साल दिखाएगा, लेकिन ये नहीं करना है, आपको 1000 साल ही रखना है, ठीक है, तो महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई अगर पूछा जाए तब आपको राइट आंसर लगाना है संस्कृत, ध्यान रखिएगा महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई और इसको बनाने में 1000 साल से ज्यादा लग गया, ये सबसे पुरानी ग्रंथों में से एक है, ठीक है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, आप सबको पता है पुराणों की संख्या 18 है, कई बार पूछा गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं 18, 15, 20, 20, 21 हर बार लगभग, तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, प्लीज वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर देंगे, एक बार जमकर के शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी अगर कोई दोस्त बचे हुए हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए, अंबिका कुमारी क्या बात है, चंदन कुमार ऐसे ही आंसर देना है, बताइए कैसे हैं आप लोग, एमडी होलीडे नाम है आपका। चलिए अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, बताइएगा श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने अपना विचार को व्यक्त किए हैं, तो वो है महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक भी, यानी कि इनमें से सभी ने जो है अपना महत्व, अपना विचार को व्यक्त किए हैं, किस पर, श्री भगवद गीता के महत्व पर। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34, मनुस्मृति की रचयिता कौन है, चलिए मैंने आपको कल कहा था, कल जो भी क्लास में जुड़े थे, कल भी आपका क्लास हुआ था, तो मनुस्मृति के जो मनुस्मृति में जो है शादी का टोटल 8 प्रकार के बारे में दिया गया है, पूछा भी जाता है कि शादी का कितना प्रकार दिया हुआ, 8 प्रकार, और 8 में से जो 4 प्रकार है वो अच्छा है और जो 4 प्रकार है वो बुरा है, बुरा में जैसे कोई भगा करके शादी कर लिया, कोई जो है किडनैप करके शादी कर लिया, कोई जबरदस्ती शादी कर लिया, है ना, तो ये 4 प्रकार हो जाता है बुरा और ये जो 4 प्रकार है वो है अच्छा, जैसे आप अपने में शादी किए पापा की मर्जी से, बाबा जैसे भी हो लेकिन अच्छा, ठीक है। अब मनुस्मृति की रचयिता के बारे में पूछा गया तो आप सबको पता है मनु, जी हाँ, मनुस्मृति की रचयिता यानी कि मनुस्मृति का जो लेखक है वो कौन है, मनु है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35, निम्न में से महिला संत थी, फटाफट जवाब दीजिएगा, निम्न में से महिला संत कौन थी, मीरा थी, अंडाल थी, कराईकल थी या फिर इनमें से सभी, बिल्कुल 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा मीरा, अंडाल और कराईकल ये सभी जो है क्या थी, महिला संत थी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 36, धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी, फटाफट जवाब दीजिएगा, धम्म की शुरुआत किसने की थी, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, बिल्कुल अशोक का धम्म, आप लोग सुने होंगे अशोक का धम्म, है ना, और दीन ए इलाही, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही का जो शुरुआत है वो किसने किया था, तो वो क्या था, अकबर ने, किसने किया था, अकबर ने, लेकिन धम्म की जो शुरुआत है वो क्या था, अशोक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस रूपीय शासक से की जाती है, तो भाई बिल्कुल भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश से था, कौन से वंश से, गुप्त वंश से। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा आप लोग ऋतिक राज, बताइएगा उमेश कुमार, फटाफट मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, बिल्कुल चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था, बिल्कुल इस तरह क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को दे रहे हैं, गजब। चलिए गुड्डू कुमार आफरीन, चलिए बहुत बढ़िया, मौर्य वंश का जो संस्थापक वो कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 39, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बोलिए हलवा प्रश्न है आपका, 2014, 18, 19, 21 कई बार पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कांस्य युग, ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 40, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ
कब से आयोजित की जाने लगी। पहले जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड में लिया जाता था, लेकिन एक साथ इंग्लैंड में भी और भारत में कब ये परीक्षा होने लगी, 1912, 1932, 1935। 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1922। ध्यान रखिएगा 1922 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगह एक साथ ली गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए, मुन्ना कुमार, धर्मेंद्र कुमार, चंदन कुमार, सनी यादव, गुड्डू कुमार, क्या बात हो, कुमारी किरण मिश्रा आ गई हैं, आप भी वेलकम है, कैसे हैं। बेंजीर हेजा बताइए कैसे हैं, धर्मेंद्र कुमार बताइए, स्मृति कैसे हैं, मुस्कान कुमारी चलिए कैसे हैं आप लोग, फटाफट आप लोग अपना जवाब देते हुए चलिएगा। बिल्कुल 41 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो स्थापना है किसने करी थी, फटाफट जवाब दीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो किसने करी थी, बिल्कुल 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1785 में, कब हुई थी तो 1785 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो 1785 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, बताइएगा शिकागो सर्वधर्म जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, 90 में, 93 में, 98 में या फिर 99 में। 42 का बिल्कुल, जिन्होंने भी आपका 1893 बोल रहे हैं बिल्कुल उसका सही है। ठीक है, तो शिकागो जो है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो 1893 में हुआ था। ठीक है, 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, फटाफट जवाब दीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, 1858 में, 1856 में, 1860 में। 43 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा 1856 में। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो 1856 में पारित हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न, जो भी एकदम सही आंसर देना है, नीरू कुमारी क्या बात है, रौनक बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग को आंसर देनी है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर आधारित थी, है ना, यहाँ पर ज्यादातर क्या होता था, व्यापार होता था। राइट आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 45, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो आप सबको पता ही है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे, है ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, और मातृ जो है आपका ऐसे लिखा हुआ, मातृ जैसे भी आपको पढ़ना है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता था, यानी कि शहरी सभ्यता था, तो शहरी और नगरीय एक ही चीज होता है अभी फिलहाल मानना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता, ऑप्शन बी। लेकिन ग्रामीण सभ्यता कौन था, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता क्या था, ग्रामीण सभ्यता। ये सारा को आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, 47 नंबर, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, बताओ ये कोई सवाल है, तैयारी बस करो ना, कैसे करें क्या, जैसे पढ़ा जाता है बस पढ़ो, तो एक बार पढ़ोगे तभी तो आएगा कि क्या नहीं आता है, आता है, जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्या लगेगा तुमको आता है या नहीं आता है ना, तो एक बार पढ़ के देखो फिर पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या करना है। आप लोग शुरुआत नहीं करते, एक बार शुरुआत तो कीजिए, फिर देखिए ना मजा कितना आता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है, इसके केंद्र को कहा जाता है खानका। ध्यान रखिएगा, सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को खानका कहा जाता है, ऑप्शन सी 47 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बहुत सारे लोग वीडियो को शेयर भी नहीं किए, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। चलिए, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, काफी हलवा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किस राजा से किया था, 48 का बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सी लगाया है बिल्कुल आपका सही है, एकदम ईमानदारी से आप लोग को बताना है आप लोगों ने कितना सही किया। अगला प्रश्न है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में दिया गया है, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में। 49 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा वो है 13वें में। ध्यान रखिएगा, धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, 50 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किसके समकालीन थे, तो आप सबको पता है कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपको किसी ना किसी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपना ध्यान पूर्वक यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे मेरी बातों को, आपको 100% ये अगर प्रश्न पूछेगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रश्न का खास करके। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों से बनाए जाते थे, इनको बनाने की विधि क्या थी, सबसे पहले किन पदार्थों से बनाए जाते थे, दूसरा इनको बनाने की जो विधि है वो क्या थी। तो आंसर आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के मन के जो है वो अर्ध बहुमूल्य पत्थर सियलखरी, आप लोग पढ़े होंगे वहां के जो पत्थर है वो किसे, सियलखरी, सियलखरी, फयांस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे। ये जो है सुंदर एवं बेलनाकार, गोलनाकार और ढोलनाकार, देखिए सुंदर एवं बेलनाकार, गोलनाकार और ढोलनाकार आदि होते थे। मनके को कई तरह से बनाए जाते थे, कुछ मनके दो पत्थरों को जोड़कर भी बनाया जाता था, कुछ मनके का मतलब आपको सिंपली बर्तन समझ लेना है अभी, ठीक है। कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था, यानी कि किसी का जो सिर होता था, जो ऊंचाई वाला जो पार्ट होता था उस पर सोना लगा दिया जाता था। इन्हें सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। कुल पत्थरों को आग में पकाकर कुछ को घिसकर पॉलिश की जाती थी। मनकों को मुख्यतः आभूषण से बनाए जाते थे, ठीक है। तो मनके मुख्यतः आभूषण से बनाए जाते थे, इनको घिसा जाता था, चमकाया जाता था, आग में इनको पूरा करके एकदम पत्थर के जैसा मजबूत किया जाता था। ये सभी जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख के विषय, अशोक का जो भी अभिलेख है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, प्रश्न आपको पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए अशोक और उसके बाद के मौर्य सम्राटों के अध्ययन के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य है, यानी कि अशोक के बारे में और उनके जो भी कार्य किए गए हैं, उनके जो काल वगैरह किए गए हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अशोक का जो अभिलेख है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का जो अभिलेख है उनको प्रकाश में कौन लाया, यानी कि उनको लाने वाला कौन था, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। वो अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था, जेम्स प्रिंसेप जो है क्या था, वो अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था। 1837 ईस्वी में उन्होंने एक अभिलेख को पढ़ा जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अर्थात देवों के प्रिय प्रियदर्शी का उल्लेख था। मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए, 100% आपको यहाँ पर याद होगा, क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ और मैं बोलूंगा भी नहीं, और फिर हम लोग लास्ट में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अभिलेख, अशोक का अभिलेख के बारे में, अभिलेख के बारे, अगर अशोक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अशोक का अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। और अशोक का जो अभिलेख है उनको प्रकाश में कौन लाया, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप क्या था, वो अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था। 1837 में उन्होंने, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है एक अभिलेख को पढ़ा जिस पर कौन सा लिपि लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अर्थात देवों के प्रियदर्शी का उल्लेख था, यानी कि देवों के बारे में लिखा हुआ था सिंपली, ठीक है। 1915 ईस्वी में इसी प्रकार का एक अन्य लेख मिला जिन पर प्रियदर्शी अशोक खुदा हुआ था। प्रियदर्शी अशोक जो है वो खुदा हुआ था, यानी कि खुदा हुआ था। इस आधार पर प्रियदर्शी शब्द वाले अभिलेख अशोक के माने गए, यानी कि इस आधार पर, क्योंकि एक एक अभिलेख यहाँ मिला, एक अभिलेख कहीं और मिला, तो इस आधार पर लगा कि ये जो अभिलेख है वो किसका है, अशोक का है, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम मिल गया। अशोक के अभिलेख अनेक प्रकार के हैं, जैसे वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गृहालेख, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि भारतीय जो सिक्के हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं, जो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को, अच्छा ये पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी सुन लीजिए, ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगा, बहुत लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, मुझे पता है आप लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पीडीएफ को ढूंढना है, कैसे कैसे आपको ऐप में जाना है, सारा चीज आपको बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका था भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में बताएं, ठीक है। तो देखिए सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, इनका चलन 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में शुरू हुआ था। सिक्के का जो चलन है वो कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ये चांदी और तांबा के बने थे, ये जो सिक्के हैं वो किस पर बने थे, चांदी और तांबा के, और ये जो सिक्के होते थे उस पर कुछ कुछ चिन्ह भी होते थे। इन्हें जारी करने की जो आकृति एवं लेखा नहीं है, इनको जारी करने की यानी कि आकृति इसका कैसा होता था, कितना सेंटीमीटर कितना इंच का होता था, इनके बारे में किसी को पता नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन राजवंशों से जुड़ा गया और चिन्हों से ही पता चला कि ये जो है इस राजवंश से जुड़ा है। संभवतः कुछ सिक्के व्यापारियों एवं धनी नागरिकों द्वारा भी जारी किए गए हैं, कोई कोई ऐसा भी सिक्का है जो कि नागरिकों के द्वारा या जो व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी जो अमीर लोग थे उनके द्वारा जारी किया गया है। मयूर के छाप वाले सिक्के मौर्यों के द्वारा बनाए गए थे, मौर्यों ने सिक्कों को ढालने पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। हिंद यूनानियों के समय से सिक्कों को ढालने के क्रांतिकारी परिवर्तन आया, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किया, सात वाहनों ने भी मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए। ईसा के 6वीं शताब्दी तक सिक्कों की संख्या कम हो गई, और ईसा के 6वीं शताब्दी तक जो है जो सिक्कों की जो संख्या है वो कम हो गई। तो यहाँ तीसरा नंबर में प्रश्न आपका यही था,
कि सिक्कों के बारे में बताएं, तो सिक्कों के बारे में दो तीन पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहले ये इसका जो चलन है वो 36 शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, और ईसा के 6 शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जो चलन है वो कम हो गया। ठीक है, व्यापारियों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा इनको जारी किया जाता था। जो भी इनको जारी करता था, या तो वो अपना मोहर बनाता था उस पर, या फिर कुछ कुछ लिख देता था, या फिर कोई कोई जानवर का चिन्ह होता था, खास करके सिक्का में। इन 3-4 पॉइंट को आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कुल एवं जाति का अंतर स्पष्ट करें। कुल एवं जाति का अंतर स्पष्ट करें, तो कुल एवं जाति का अंतर आप यहाँ दे सकते हैं। कुल शब्द जो है वो परिवार का द्योतक है। ये कुल बड़े समूह का एक भाग होता है। यह बड़ा समूह बांधवों अथवा संबंधियों का समूह होता है। ठीक है, यही बांधवों अथवा संबंधियों का बड़ा समूह जाति कहलाता है। यानी कि ये बांधवों और संबंधियों का जो बड़ा समूह है उसको क्या कहते हैं, जाति। और परिवार एवं जाति में अटूट संबंध होता है। ये रक्त संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि जो खून का रिश्ता होता है उसी पर आधारित होता है। इस जाति विभिन्न सगा संबंधियों एवं बंधु बांधवों का बड़ा समूह होता है, जबकि कुल जो है उस समूह का एक भाग अथवा छोटा हिस्सा होता है। कहने का मतलब है, जो जाति है वो सगा संबंधियों का रिश्ता आगना जो हम लोग बोलते हैं उनका बहुत बड़ा संबंध होता है, लेकिन ये जो कुल शब्द है उनका एक भाग होता है। किसका, जाति का। ठीक है, तो सिंपली आपको यही लिख देना है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आप सबको पता होगा मुगल जो है वो मंगोल से आया है। मुगल अपना नाम खुद ने नहीं चुना था, मुगल को वो अपना आपको तैमूरी वंशज के बुलाते थे, लेकिन कुछ कुछ इशू हो गया, हम लोग देखते हैं। देखिए, मुगल शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई, अगला प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई। मुगलों ने स्वयं इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो मुगल शब्द की जो उत्पत्ति है वो मंगोल शब्द से हुई, लेकिन मुगलों ने जो है खुद इसका उत्पत्ति नहीं किया है, क्योंकि वो पिता की तरफ से, यानी कि जो उनका पिता थे, उनके जो बाप थे, वो तैमूर के वंशज से थे, है ना, और तैमूरी कहलाते थे, क्योंकि तैमूर के वंशज से थे तो वो तैमूरी कहलाते थे। आप लोग तैमूर वंशज के बारे में सुने होंगे, ठीक है, तैमूर वंश के बारे में। तो पिता जो है उनका तैमूर वंशज से थे, इसलिए वो तैमूरी कहलाते थे। और उनका जो माता है वो बाबर चंगेज खां से थे, बाबर चंगेज खां। और ये जो चंगेज खां है वो किससे संबंधित था, मंगोल से। ठीक है, तो 16वीं-17वीं शताब्दी में, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। और उनकी, क्योंकि उनके माता जो है वो मंगोल से आते थे, तो इसीलिए 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने जो है बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया, और यही फिर मुगल शब्द जो है वो चलने लगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे, वो क्या करते थे। फटाफट जवाब दीजिएगा, विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे और वो क्या करते थे, इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे। विजयनगर साम्राज्य में राजा हो गया, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले उनको भूमि प्रदान करते थे। इस प्रकार की भूमि अग्रम कहलाती थी। तो ठीक है, तो इस प्रकार की भूमि को क्या बोलते थे, अग्रम बोलते थे। यहां से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका अमरम होगा, सॉरी, हाँ, अमरम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की भूमि को जो भी सेवाओं के बदले दिए जाते थे, खास करके सैनिक को, असैनिक को, तो उनको क्या कहते थे, अमरम। इसके प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। और ये जो इस भूमि को पाता था, यानी कि जो इस भूमि को लेता था, उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे अमर नायक। ठीक है, अमर नायक जो है अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। और ये जो अमर नायक है, यानी कि कहने का सिंपली मतलब ये है कि जो भी विजयनगर साम्राज्य में जो राजा होते थे वो क्या करते थे, सैनिक और असैनिक को कुछ कुछ जमीन देता था। इसलिए वो जमीन लेने, जो जमीन है उनको अमरम कहते थे, और जो उनको लेने वाला होता था उनको अमर नायक कहते थे। और बाद में ये जो अमर नायक है, यानी जमीन लेने वाला है, ये अपना क्षेत्र में क्या करता था, जो किसान है, जो शिल्पी है, जो व्यापार है, जो भू राजस्व है, उनसे भू राजस्व लेता था। यानी कि मान लेते कोई छोटा छोटा मजदूर है, अब मेरे पास जमीन है, हम हो गए अमर नायक, तो हम आपको क्या कर दिए, जमीन दे दिए कि जाओ तुम खेती करो और हमको टैक्स दो, और उसे टैक्स वसूलता था। अमर नायक वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजता था, और अमर नायक जो होता था जमीन लेने वाला, वो राजा को वर्ष में एक बार अपना भेंट भेजता था, यानी कि गिफ्ट देता था, किसको, राजा को। ठीक, अगला प्रश्न है, रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। रेहला के बारे में तो आप सबको पता है, रेहला जो है वो क्या है, यात्रा वृतांत है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, फिर आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, देखिए, रेहला जो है वो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है, जिसे इब्न जुजिये ने 1353 ईस्वी में इब्न बतूता के मोरक्के लौटने के बाद अजाइबुल अबसार नाम से लिया था। ठीक है, इतिहासकार मेहंदी हसन ने इस पुस्तक का नाम रेहला रखा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम जो रेहला पड़ा वो किसने रखा, तो इतिहासकार जिसका नाम है मेहंदी हसन, इसी ने जो है इस पुस्तक का नाम रेहला रखा था। ठीक है, इसमें जो है इब्न बतूता के यात्रा के बारे में, यानी कि उनका जो यात्रा करने का जो उद्देश्य था, वो आखिर यात्रा क्यों करते थे, उनके बारे में इस किताब में लिखा हुआ रेहला में। और
जब वो यात्रा करते थे तो उस वक्त में जो भी वो चीज वो देखता था उसके बारे में वो लिखा हुआ, ठीक है। इब्न बतूता जो है वो काफी शौकीन था, खास करके घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा उसको मन करता था। आप बोल सकते हैं एकदम घूमने में बहुत उनको मजा आता था, ठीक है, जिसको होता ना किसी किसी को घूमने में बहुत मजा आता है, तो उसी तरीके से इब्न बतूता भी था। और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। तो देखिए इसमें इब्न बतूता की यात्रा के उद्देश्य एवं आरंभ पर लिखा गया है, साथ ही तुगलकालीन, ये आपका मुगलकालीन होगा, साथ ही मुगलकालीन न्याय व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, डाक व्यवस्था, और यानी कि मुगलकालीन का जब यहाँ पर शासन था तो उस वक्त में सड़क व्यवस्था कैसा था, क्या क्या नीति था, सारा चीज के बारे में जो है रेहला में लिखा हुआ है, ठीक है। भारत से किए जाने वाले अन्य देशों की यात्री का भी वर्णन है, यानी कि उस वक्त में कोई अगर अदर यात्री, दूसरा यात्री भी अगर यहाँ पर यात्रा करता था, ठीक है, भारत में, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अभी तक सुल्तानों में सबसे विनम्र एवं न्याय प्रेमी कहा है, और इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है, सबसे अच्छा विनम्र कहा है, यानी कि बहुत ही दयालु और न्याय प्रेमी, सभी के साथ न्याय करने वाला कहा है। कौन कहा है? इब्न बतूता ने किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का ले ही लीजिए, ठीक है, प्रश्न भी है आंसर भी है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, उसका आंसर दीजिए। देखिए उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें हमने आपको ये प्रश्न जो है कई बार करवाए हैं, जी हाँ बहुत बार करवाए हैं। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक है। शेयर अगर नहीं किए हैं वो भी कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, शेयर वगैरह आजकल आप लोग कम कर दिए हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है आजकल, ठीक है। चलिए तो देखिए उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे अंग्रेज जो है भारत आया, भारत में आकर के वो हम लोगों पर राज किया, तो यानी कि अंग्रेज क्या हो गया, शक्तिशाली देश हो गया, और शक्तिशाली देश भारत क्या हो गया, कमजोर हो गया, इसीलिए तो राज किया। तो शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर अधिकार लेता है या फिर अधिकार करता है, शासन जमाता है, उसी को उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो देखिए उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उनके संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करता है, यानी कि जो हमारे पास भारत के पास जो भी संसाधन था उसका मनमानी उनका जो है उपयोग करा है, इसी को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। भारत भी जो है कभी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, आप सबको पता ही है, भारत भी क्या था, उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के उपनिवेशवाद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ और उसके संसाधनों का शोषण हुआ, और हम लोगों का जो संसाधन था, भारत का जो भी संसाधन था, उनका शोषण भी हुआ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उपनिवेशवाद का मतलब भी आप समझ गए। अब अगला प्रश्न है फिरंगी, फिरंगी के बारे में आप लोग को बताना, फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए ये फिरंगी जो है ना वो फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी, जो संभवतः फ्रैंक यानी कि जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है से निकलता है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो फिरंगी भाषा है वो फारसी से लिया गया है, लेकिन ये जो फिरंगी है वो संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये फ्रैंक शब्द से निकला होगा, और फ्रैंक जो है वो फ्रांस का नाम पड़ा है, ठीक है, फ्रेंच से ही किसका नाम पड़ा है, फ्रांस का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिरंगी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और ऐसा लगता है कि ये जो है फ्रैंक भाषा से निकला है, और जो फ्रैंक है फ्रांस का जो नाम है वो फ्रैंक से पड़ा है, ठीक है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम के लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है ना, ये तो फिरंगी है हम लोग बोलते हैं ना, तो कभी कभी इनका प्रयोग भी किया जाता है किसी का मजा लेने के लिए। अब अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो हमने आपको कल करवाया था ऑब्जेक्टिव में, जो भी कल का क्लास में जुड़े थे, कि अखिल भारतीय जनगणना का जो अखिल भारतीय जनगणना यानी कि जनगणना जो है वो कब शुरू हुई थी, तो 1872 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम प्रयास किया गया था अखिल भारतीय जनगणना का 1872 ईस्वी में। उसके बाद इसके 1881 से दशकणीय जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बन गई, यानी कि हर 10 साल के बाद जो है जनगणना होगा ही होगा, ऐसा नियम बन गया। कब से? 1881 से बना था, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग 2011 में भी जो है आपका जनगणना हुआ इसीलिए, ठीक है, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया, बहुत सारा रीजन है इनके पीछे। तो 1881 से दशकणीय जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में नगरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एवं बहुमूल्य स्रोत है, ठीक है, यहाँ पर आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। हमने टोटल आपको 10 प्रश्न करवाया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ में हमने आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफी शानदार है, हो सके अगर एक भी दो क्वेश्चन नहीं बना होगा दोबारा आप देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, नोट वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार जम करके अभी लास्ट वीडियो छोड़ते समय एक बार शेयर कर दीजिएगा स्टेटस वगैरह में कहीं भी, और प्लीज शेयर जब भी बोलते हैं तो शेयर आप लोग को करना है, सिर्फ के नहीं रह जाना है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोग समझ सकते हैं, स्टेटस वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है।
और प्लीज ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिलेगा। कैसे क्या क्या करना है वो हम बहुत जल्द आपको बताएंगे, डोंट वरी डियर, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आपको तनु क्लासेस लिखना है, TANU क्लासेस का CLASSES लिख करके आपको डाउनलोड करना है, और वहीं पे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, सारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, समय आपके पास बहुत ही कम है और कीमती समय है, तो प्लीज समय को इधर उधर व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें, जितना आप इस समय को अपने प्रयोग में लगाएंगे, ये समय जो है आपको आगे इतना मजा देगा, आपको उतना मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं।